so you will never miss out my any upcoming videos. Hello friends and welcome back to my channel Curtain Stitching Styles. आज मैं आपको बैकलेस ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी. पैडेड बैकलेस ब्लाउज आपको कैसे स्टिच करना चाहिए, मैं सबसे आसान तरीका आज आपको बताऊंगी. अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आपको इसकी कटिंग करते वक्त इसमें कोई भी प्लीट्स का निशान नहीं लगाना है. अगर आप बैकलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है और स्टिचिंग भी इसी तरीके से करनी है. अगर आप पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको उसमें कोई भी मतलब प्लीट्स का निशान नहीं लगाना है. हम स्टिचिंग के वक्त उसमें प्लीट्स का निशान लगाएंगे और इसमें सिर्फ आपको एक निशान लगाना होगा अपने बस्ट पॉइंट का. यहाँ पे बस्ट पॉइंट हमारा 9 है तो 9 पर यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए. ये इस तरीके से आपको अपने बस्ट पॉइंट पर निशान लगा लेना है. और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस तरीके से इसका सेंटर देखिए, ये है इसका सेंटर और इसके सेंटर पे आपको इस तरीके से ये रखना है. ये आपको अपने अपने जो भी कपड़ा है उसको उल्टे साइड रखना है और इस तरीके से पकड़ कर एक सुई की हेल्प से यहाँ पर आपको यह सिलाई लगा देनी है. यहाँ पर आप सुई की हेल्प से ये सिलाई आप खोल भी सकते हैं बाद में, इसलिए हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से, सिर्फ इसको रोकने के लिए. इस तरीके से आपका ये सेंटर कभी भी गलत नहीं होगा और आपको अपने सेंटर का पता रहेगा. अब आप देखिए जो आपके कप्स हैं इसमें इस तरीके का आपको पार्टीशन टाइप दिया होगा, आपको यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगानी है, यहाँ गलत नहीं होगा. अब मैं आपको बता दूँ इसमें आपको प्लीट्स क्यों नहीं डालनी होती, क्योंकि जब हम इस तरीके से इसको स्टिच करते हैं तो ये जो कप्स होते हैं ये आपस में ही अपना पूरा कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमें इसमें प्लीट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है. और इसमें हल्का हल्का आपका सिकुड़न भी आएगी, थोड़ा थोड़ा झोल भी आता है, लेकिन आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे. ये इस तरीके से आपको पूरा गोल सिलाई कर देना है. ये कुछ इस तरीके से आता है, ये थोड़ी थोड़ी सिकुड़न आपकी आती ही है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी. अब सबसे पहले ही जो आपने सिलाई लगाई थी इसको खोल दीजिए और इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको ये पैड लगा लेना है. तो फ्रेंड्स इस तरीके से जोड़ने के बाद आपको अपना इनर अपने मेन कपड़े पर जोड़ना है. इस तरीके से आप इसको रखिए. ये जो आपका बैक साइड आपको इस तरफ सीधे तरफ रखना है और इसको इस तरीके से, मतलब ये आपका सीधा साइड है और ये भी आपका सीधा साइड, दोनों सीधे साइड एक तरफ होने चाहिए. और इस तरीके से इसको बराबर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है.
ये बाहर की सिलाई लगाने के बाद अब आपको यहाँ से अंदर की तरफ गले के लिए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप जो भी डोरी या इस तरीके का कुछ भी लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर करके रखिए, या आपको इसके अंदर रखना है। और यहाँ पर इसकी सिलाई कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली है और ये अपने गले पे भी हमने अच्छी तरीके से सिलाई लगा ली है। मैंने ये अंदर का कपड़ा कटिंग करते वक्त कट नहीं किया था। अब हम इसको कपड़े को अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग कट करेंगे अपने गले के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी बार होता है हमारा इनर छोटा बड़ा हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे, अगर बाद में कटिंग करेंगे तो एकदम ठीक आएगा। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। फ्रेंड्स, गले की सिलाई लगाने के बाद अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई के लिए इस तरीके से मैं साइड में भी इस तरीके से स्ट्रिप लगा रही हूँ। मैं साइड की स्ट्रिप थोड़ी चौड़ी रखूँगी। तो आप साइड की सिलाई करते वक्त आपको ये जो आपने स्ट्रिप्स लगानी है इस तरीके से इसके अंदर की तरफ रखिए। नीचे से करीब 2 इंच या 3 इंच आप ऊपर रख सकते हैं इसे। और यहाँ पर आपको साइड में सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, हमने हर तरफ से सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधी तरफ पलटेंगे। तो इस तरीके से आप इसको पलट लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा पीछे से। और फ्रंट से कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब इस पर आप चारों तरफ टॉप सिलाई लगा लीजिए, जिससे कि इसमें और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और ये अच्छे से चारों तरफ से बैठ जाएगा। तो आप छोटी करके सिलाई लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से हमने ये पूरा स्टिच कर लिया है। अब नीचे से सिंपली आपको इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं या तो आप तुरपाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना डिज़ाइनर बैकलेस ब्लाउज बना सकते हैं। आप किसी भी साइज़ का डिज़ाइनर बैकलेस ब्लाउज बना सकते हैं इस तरीके से। और इसमें देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ आप इसे बनाते हैं, देखिए। और इसमें आपको कहीं पर भी कुछ भी इंटरलॉक वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय। खुदा हाफ।